लड़का सही नहीं लग रहा, ये बहुत गुस्सा करता है, बदतमीजी से बोलता है ये, और इसने ना झूठ झूठ बोला है, और दारू भी पीता है, ये गुटखा भी खाता है। इसने मुझे कहा था कि मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, लेकिन ये गुटखा खाता है और दारू भी नहीं पीता, ये दारू भी पीता है। इससे पहले आपकी बहन को पता नहीं चला ये सारी चीजें? नहीं, उसको नहीं पता थी। उसने कहा था मैं कभी कभी पार्टी में जाता हूँ तभी ड्रिंक करता हूँ, गुटखा तो मैंने कब का छोड़ दिया, गुटखा नहीं खाता। और उसको पता था मेरी बहन को गुस्सा आता है, चलिए मैं संभाल रहा। और उसका बदतमीजी कल वो फेरों पे लड़ लिया मेरी बहन से, फेरे लेते टाइम लड़ लिया, दारू पी रखा था तो फेरे पे लड़ लिया मेरी, कल शराब पी रखी थी, हाँ तो मेरी बहन से लड़ लिया। और मेरी बहन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, हमारी शादी उसने करी, हम तीनों भाई बहनों को पाला है, मेरे माँ बाप को पाला है उसने, इतनी स्ट्रॉन्ग थी मेरी, ये स्टेप तो कभी कर भी नहीं सकती, कभी भी नहीं। अच्छा दीदी ये बताएं, सोनाली जी आपको ये लग रहा है कि कोई उनके साथ वारदात ही हुई है? हाँ वारदात ही हुई है, और उन्होंने ही करी है, उन्होंने ही करी है। तो ये चीज आप रिटर्न में पुलिस को देने वाले हो अभी? हाँ दे देंगे, दे देंगे, उन्होंने ही करी, और वो आए भी नहीं यहाँ पे, अगर इतना ही होता तो यहाँ आते ना, ना फोन किया ना बात करी उन्होंने। ठीक है दीदी, जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी क्या गुस्से में थी? नहीं गुस्से में बिल्कुल नहीं थी, वो एकदम नॉर्मल थी। वो बोल रही थी कि बस उसने मुझे बोला कि मिन्नी ये लड़का बहुत झूठता है, इसने बहुत झूठ बोले हैं, ये बोलता था गुटखा नहीं खाता, ये दारू नहीं पीता, ये दारू भी पीता, ये गुटखा भी खाता, और चिल्लाता भी मुझको, और बहुत बदतमीजी से बोलता है मुझसे। तो इतनी सी विदाई के बाद से इतनी सी में इतनी बात हो गई, हमें ये लगा, बोली मैंने तो सोचा नहीं था ये ऐसा निकलेगा फोन पे, तो ऐसा 3 महीने से, जब 3 महीने से आपका दीदी के साथ जो रिश्ता चल रहा था, ये मिलने भी आया, बर्थडे सेलिब्रेट भी हुआ, तब आप लोगों को नहीं लगा इतना आया भी नहीं? और उसमें क्या है ना, जैसे थोड़ी देर तो ठीक रहता है ना, फिर लड़ लेता, फिर सॉरी बोल देता, गलती हो गई, फिर लड़ लेता, फिर सॉरी बोल देता, तो वो सोचते चलो ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी बोल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पता फेरों पे लड़ लिया, इतना नहीं, इतने पब्लिक फेरों पर बस जूते छुपाई ना, जूते छुपाई थी तो हंसी मजाक चल रहे थे, तो उनके यहाँ से तुम्हें ये रस्में नहीं पता क्या, तुम्हें वो रस्में नहीं पता क्या, अरे रस्में करवाएं तो हमें पहले बताते ना कि हमारी ये रस्में होती है, जब परिवार ही अलग है, एक शर्मा परिवार है, एक बंसल परिवार है, परिवार अलग है, तो रस्में पता नहीं चीज ना कि हमारी ये रस्में होती है, सारी की सारी बहन चढ़ गए हमारे ऊपर, तुम्हारे ये भी नहीं होता, तुम्हारे वो भी नहीं होता, और उनको ये नहीं दिखा मेरी बहन वहाँ बैठी है, और वो जो दूल्हा है वो अपनी बहनों का साइड दे रहा है, तुम ये करो तुमने ये क्यों नहीं किया, इनको खाना खिलाओ अपने हाथों से, हमने कुटा हमें लेने नहीं, आप रख लो, जूते छुपाए में इनसे पैसे नहीं दिए गए, मतलब इस तरीके से बिहेवियर किया गया था सर, तो कोई इंसल्टिंग बिहेवियर था हमारे साथ में कल। अच्छा अच्छा सोनाली जी बताएं, दीदी का क्या यानी कि क्या पढ़ाई लिखाई के लिए क्या करती थी? एमकॉम किया है, वो टीचर थी पिछले 5 से 8 साल से, 50,000 रुपए महीना कमाती थी, उसने हमारी शादियां भी करी और हमारे मम्मी पापा को सपोर्ट भी किया, पूरा परिवार चलाया, और हमारा था कि शादी हो जाएगी तब हमारे भाई की हम आगे पढ़ाई भी करवाएंगे मिलकर। आपको ये लगता है कि वो सुसाइड जैसा कदम लिया? वो कभी दिमाग में नहीं ला सकती, क्योंकि वो हमेशा बोलती थी, हमें बोलती थी हमेशा स्ट्रांग रहना, इंडिपेंडेंट रहना। ठीक है, आपका नाम सोनाली है, हाँ। आपका क्या नाम है? ट्विंकल। ट्विंकल, दोनों आप बहन है उनकी, हाँ। छोटी बड़ी? हाँ। बड़ी, छोटी बहन, चार भाई बहन, 3 बहन 1 भाई, और वो हमारी सबसे बड़ी बहन। पिछला सवाल, क्या आप कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में? हम तो चाहते हैं कार्रवाई, न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते है। ये पूरा मामला और किसने ये सुसाइड किया? कोमल शर्मा नाम की महिला थी, जिसकी रौनक बंसल से शादी हुई थी, कल ही शादी हुई थी अजमेर में, सिटी प्राइड यहाँ गार्डन में, उसमें आज उस कोमल शर्मा की गोकुल धाम जो सोसाइटी है बीके कॉल नगर में, इसकी ऊपर से गिरने से मृत्यु हो गई, जिसकी बॉडी मोर्चरी में रखाई गई, अभी इसके परिजन आएंगे जब इसके विस्तृत हालात मालूम चलेंगे, और अभी हम यहाँ मौके पर देख रहे हैं, बाकी जाँच जारी है। अभी इसमें अरेंज बता रहे हैं, बाकी इनके परिजन जब आएंगे जब स्थिति स्पष्ट होगी। कहाँ के रहने वाले थे? ये जयपुर निवासी है।